स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और आपकी अपनी कक्षा में दिल्ली डी स्कूल पर। और आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इससे संबंधित कार्यपत्रक आपके लिए आया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और वे कौन कौन से भेद होते हैं, तो वे इसे जरूर देख लें, अंत तक देखें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरुआती बातें पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है कि हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण व्याकरण में भाषा कहा जाता है। तो जो हमारी बातचीत होती है बच्चों, ठीक है, जब हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वह पंक्तियों में होती है। अब जैसे मैं बोल ही रहा हूं तो एक पंक्ति में बोल रहा हूं ना, कि मैं बोल रहा हूं, यह एक पंक्ति हो गई, ठीक है, जिसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य किसे कहा जाता है? यह भी एक वाक्य है जो मैंने पूछा आपसे, ठीक है, तो ये वाक्य कहलाता है जो कभी एक अक्षर का होता है। शुरुआत कहां से होती है? एक अक्षर से, ठीक है, एक अक्षर से इसकी शुरुआत होती है। कभी एक शब्द का भी हो जाता है, कभी एक शब्द का भी हो जाता है। मैंने बोला हाँ जी, क्या क्या एक शब्द का हो गया कभी, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। और कई बार क्या होता है कि कई शब्दों से मिलकर ये बना होता है, लेकिन इन शब्दों और वाक्यों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। अब जो हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं, तो उसका क्या होता है? एक अर्थ अर्थ होता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। अगर मेरे शब्दों का कोई अर्थ ही ना हो तो फिर आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कुछ कि सर जी बोल क्या रहे हैं, ठीक है। हर भाषा का एक अर्थ होता है, आपको पता है, लेकिन मान लो आपको उसका अर्थ नहीं पता, ठीक है, तो फिर आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। भाई मैं यहां पे तेलुगु बोल लूं, तमिल बोल लूं, ठीक है, बंगाली बोल दूं, तो कोई बच्चा तो समझ लेगा जो उस क्षेत्र से संबंधित होगा, लेकिन अधिकतर बच्चे नहीं समझेंगे क्योंकि उनको उसका अर्थ ही नहीं पता, ठीक है। लेकिन उन भाषाओं का भी अर्थ होता है, ये ध्यान रखना, ये मत समझना कि जो तुम्हें समझ में नहीं आता उसका अर्थ ही नहीं है, ठीक है। हर भाषा का एक अर्थ होता है, ठीक है, तभी तो भाषा कहलाई जाती है, ठीक है ना। जैसे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए एक एक अंग, हाथ, पैर, नाक, कान, अंगुली आदि के संबंध में बताते हैं, जिससे कि हमें शरीर की रचना समझने में सुविधा होती है, ठीक है। भाई आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, कक्षा नौवीं में हो, साइंस पढ़ते पढ़ते आपको शरीर के बारे में बताया, तो बोलेंगे शरीर क्या है भाई, तो शरीर में तो कई सारी चीजें हैं भाई, ये हमारी अंगुली है, ये भी शरीर का हिस्सा है, नाक है, नाक भी शरीर का हिस्सा है, कान है, कान भी शरीर का हिस्सा है, हाथ है, पैर है, सिर है, ठीक है, लेकिन है तो शरीर, इन सभी चीजों से बना है ना शरीर। इसी प्रकार भाषा भी बनी हुई है, जिसके भी अलग अलग भाग होते हैं, कौन से, वर्ण, अक्षर, है ना, वाक्य, वाक्य तो बाद में है, शब्द, वाक्य, तो ऐसे ही है, ठीक है। तो उसी तरह भाषा की भी विभिन्न के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिन जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। भाषा या हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग क्या होता है? वर्ण होता है। और जो भाषा का होता है, भाषा का
या जो हमारी बातचीत का जो सबसे छोटा अंग होता है वो क्या होता है? वर्ण। ठीक है भाई? वर्ण होता है। फिर वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द के सार्थक रूप मिलकर वाक्य बनाते हैं, फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत का अर्थ या समझ देते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा भाग कौन सा भाषा का? कौन सा है? वर्ण। ठीक है, ए आ ई। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद एक शब्द बनता है उनसे मिलकर। ठीक है, ठीक है ना, कोई भी शब्द ले लीजिए वो वर्ण से बना है। फिर कुछ वर्ण, कुछ शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? एक वाक्य बनाते हैं। और वाक्य क्या बनाते हैं? कई सारे वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी भाषा बनाते हैं। ठीक है भाई? जो हमें समझ आती है। फिर मान लीजिए कि भाषा एक भवन या मकान है। भाई भाषा को एक भवन या मकान बना दिया। ये मान लो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है ये वाली। ठीक है, ये क्या है? भाषा है। ठीक है भाई? वर्ण भाषा में ईंट की तरह शब्द दीवार, जो वर्ण है वो ईंट की तरह होता है। वर्ण भाषा की ईंट की तरह शब्द दीवार, तो वाक्य छत की तरह होता है। वाक्य क्या है? छत है। शब्द क्या है? दीवार है। वर्ण क्या है? ईंट है। ठीक है भाई, समझ में आया? इन सबसे मिलकर भाषा रूपी भवन तैयार होता है। हम कह सकते हैं जी, हम कह सकते हैं वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिससे कोई समझ या भाव या विचार प्रकट होते हैं। वाक्य के तत्व तथा उसके अंग भी होते हैं। अब वाक्य जब बनता है तो उसके कुछ तत्व होते हैं, कुछ अंग होते हैं। ठीक है भाई? अंग भी होते हैं। वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जा सकता है। अब वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने? दो। दो कौन कौन से? क्या बोलो? सही बोलो, उद्देश्य और विधेय के रूप में दो भागों में हम बांट सकते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यह मुख्य रूप से कर्ता होता है। अब उद्देश्य क्या होता है बेटा? जिसके बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, अब हम अमित यादव के बारे में कुछ कह रहे हैं तो अमित यादव क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? कर्ता भी हो गया। तो मुख्य रूप से कर्ता भी होता है। ठीक है, जैसे बच्चे खेलते हैं, इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा है? कि बच्चे खेल खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? बच्चों के बारे में कहा गया है। तो यहां पे उद्देश्य कौन है? हाँ, ठीक है, उद्देश्य। और वाक्य में उद्देश्य या कर्ता विषय, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। और जो हम कर्ता या उद्देश्य के बारे में कह रहे हैं वो क्या है? विधेय है। ठीक है भाई, हमने क्या कहा कि ये शेखर, क्या नाम है इसका? ईशांत शेखर पढ़ता है, या ईशांत शेखर सोता है। ठीक है भाई, ये ईशांत शेखर लिख रहा है। ठीक है, लिख रहा है बोला हमने। ठीक है भाई, तो उद्देश्य कौन हो गया? ईशांत शेखर हो गया। और विधेय क्या हो गया? लिखता है, लिखना हो गया विधेय। ठीक है, समझ में आई बात? उद्देश्य और विधेय क्लियर हो गया? दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, जैसे इसने भी दिया है कि गीता टीवी देखती है। वाक्य में गीता के बारे में कहा जा रहा है कि वह टीवी देख रही है।
टीवी देखना ही विधेय है। इन्हीं दो आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। ठीक है, अब वाक्य के हमने दो भेद कर दिए हैं। दो विभिन्न भेद कौन से? रचना के आधार पर पहला, और दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, हाँ भाई, कितने भेद हो गए? मैंने कहा वाक्य के कितने भेद किए हमने? हाँ जी, आप ही बताइए उत्कर्ष जी। हाँ, आठ हो गए। वाह, 20 बोल दो। हाँ मैंने बताया बेटा, आपका ध्यान इधर है ही नहीं। ठीक है, तनिष्क बताएगा कितने भेद हो गए वाक्य के। हाँ तो दो हो। हाँ भाई, अतुल बताएगा दो। अब ये बताओ, दो में से एक आप बता दो, एक आप बता दो। नहीं है? अरे अंग हो गए उद्देश्य और विधेय, तो अंग। अब भेद बोल रहे हैं, इसके भी अलग भेद कर दिए ना वाक्य के। कौन से हो गए? पहला रचना के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर भी भेद हैं। बैठिए, रचना के आधार पर भी तीन भेद होते हैं। कौन से? पहला हो गया सरल, दूसरा हो गया संयुक्त, तीसरा हो गया मिश्रित। अब ये तीनों की वीडियो तुम्हारे को यहीं इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, कल नहीं, पहले ही बन चुकी है। हाँ, आप ये रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में आपको दो तीन वीडियो मिल जाएगी। अच्छे से मैंने ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, उस पर समझाया है, और एक इसी तरह के कार्यपत्रक के माध्यम से। ठीक है, और अब पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर आठ भेद होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि वे कौन कौन से हैं भाई। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर आठ भेद कौन कौन से हैं, किसी को पता है? देखिए, इसने यहाँ पे इस कार्य पत्रक में ऐसे दे रखा है कि ऊपर नीचे कर रखे हैं, एक दो तीन। ठीक है, उसी तरह से हम पढ़ेंगे। तो पहला भेद जो बताया है यहाँ पे हमें, वो बताया है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है भाई लक्की, हमने बोला कि लक्की अपना नाम बताओ, तो नहीं, हमने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। लक्की क्या कर रहे हो? प्रश्नवाचक। ठीक है, ये हो गया प्रश्नवाचक में। सिंपल सी बात है, प्रश्न पूछना है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक कहलाते हैं। दूसरा देखिए, निषेधवाचक। हमने निषेधवाचक को पढ़ने के लिए नाम हमने बोला कि ये प्रवेश यादव, तुम आज क्यों आ गए? ओ नहीं, तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था। ये भाई, जहां पर जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने अर्थात उसका निषेध होता है, हमने बोला प्रवेश, प्रवेश यादव। अच्छा, यादव भी लगाना है। ठीक है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था आज। ठीक है, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था अमित यादव, दोनों पहुंच गए फिर। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, जहां पर नहीं शब्द आए, ना शब्द आए, ना बीच में, इस कार्य को ना करें, तो वहां पर क्या हो जाता है? निषेधवाचक। तीसरा देखिए, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होता है? जिन वाक्यों से आज्ञा, उद्देश्य, उपदेश, आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं। तो यहां पर कितनी चीजें बताइए, देखो, उपदेश देना। भाई देखे होंगे तुमने, कई बाबा लोग देते हैं उपदेश, है ना, कभी कभी हम भी दे देते हैं, तो उपदेश वाले हो जाते हैं। अनुमति, कि
मैं यह काम कर सकता हूं कि सर जी मैं अंदर आ सकता हूं? ठीक है, यह अनुमति होगी। प्रार्थना कि जैसे आप प्रार्थना करते होगी, श्रीमान जी मैं पानी पीने जा सकता हूं? नहीं। हाँ ठीक है, ये या आज्ञा देना, क्या देना, जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि अभी बाहर रुको, खड़े हो जाओ, नहीं होना नहीं खड़ा, बैठ जाओ, शांत रहो, बोलते हैं ना, तो या अपना काम करो। ठीक है, यह आज्ञावाचक हो गया। चौथे पे जाते हैं भाई, चौथा है विस्मयवाचक। अब विस्मयवाचक कौन से होते हैं? ऐसे वाक्यों में से विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। तो खुशी, दुख, घृणा का जहां पता चले वो क्या कहलाता है? विस्मयवाचक। जैसे शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। अब मेरे पास चौक था यहां पे, चौक कहां गई भाई मेरी? जैसे एबीसीडी लिखते हो आप, जैसे आप एबीसीडी लिखते हो, ठीक है, तो एबीसीडी में एक आई बनाते हो। आई कैसे बनता है? एक डंडी रहती है नीचे को, एक बिंदी रहती है, ठीक है, उसके ऊपर बिंदी रहती है। लेकिन विस्मयवाचक में हम इसको उल्टा कर देते हैं, बिंदी नीचे और तो ये विस्मयवाचक हो गया। और इसमें कैसे शब्द आते हैं? शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो, अरे वाह, और अरे वाह वाह के बारे में हम क्या लिखेंगे? ये चिन्ह लगा देंगे इसका, उल्टा आई वाला। ठीक है, अरे वाह हम जीत गए, अरे वाह तुम तो समय से आ गए। ठीक है, आगे देखिए, आज्ञावाचक के बाद, ओ सॉरी विस्मयवाचक के बाद पांचवा है विधानवाचक। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। अब एक सामान्य सा शब्द हम बोलते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, रोहन घर जा रहा है, हाँ अमित आ रहा है घर से, अच्छा हाँ, तो सिंपल से जो एक सामान्य जो जानकारी होती है वो क्या कहलाते हैं? विधानवाचक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए छठे वाले पे जाते हैं इच्छावाचक। ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, इच्छा कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी स्वस्थ होकर काम पे लौटें। ठीक है भाई, या शुभकामना, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अब तो है ना। आगे देखिए आशीर्वाद, ठीक है, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, है भाई, फलो फूलो, हाँ भाई। अगला देखो, अगला है भाई संदेहवाचक, सातवां है संदेहवाचक। संदेहवाचक में इन जिन वाक्यों में संदेह, संभावना आदि का पता चले, संभावना की बात की जाए, संदेह की बात की जाए, शायद आज धूप निकले, शायद वह आज स्कूल आया हो, तो इसमें क्या होता है? संदेहवाचक होता है। अगला है भाई आठवां संकेतवाचक। इसमें जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। यदि एक क्रिया होगी पहली तो दूसरी क्रिया जरूर होगी, उसके साथ वो अटैच होगा, जुड़ा होगा। जैसे यदि परिश्रम करते तो
फेल ना होते। यदि समय से घर से निकलते तो समय पर पहुंच जाते हैं ना, यदि जल्दी घर से निकलते तो समय पर स्कूल विद्यालय पहुंच जाते है ना। तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं, संदेह संकेत वाचक होते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब इसमें है प्रश्न, कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है भाई, और जो हाथ खड़ा करेगा उसी से पूछा जाएगा, सभी से नहीं। ठीक है, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। तो पहला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है, यह कौन सा भेद है वाक्य का। गंगा हिमालय से निकलती है, यह कौन सा वाक्य है। हाँ जी, रुको रुको, आप रुकिए, ये आगे वाला। हाँ जी बताइए, विधानवाचक। अमित यादव बताओ क्या सही है गलत है। सही है। आगे देखते हैं प्रश्न दो। अरे तालियां तो बजा दो यार इसके लिए। हाँ, बस। यदि क्या ओ दूसरा है, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है। भाई दूसरा प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, घर जाके स्क्रीन पे देख लेना, मतलब आ जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए बेटा, नाम क्या था आपका। शोएब अख्तर बताइए। ये प्रश्नवाचक आता है, ये अतुल बताएगा सही है गलत है। सही है तो तालियां बजा दीजिए भाई। ज्यादा नहीं, लंबी चौड़ी ताली नहीं, हल्की सी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन फिर से आपके सामने। यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। त्री कौन है, बस इतने ही बच्चे को बताए। चल तू ही बता भाई, अंकित। हाँ बेटा आप बताओ, संदेहवाचक संकेतवाचक। एक और पकड़ना पड़ेगा भाई, आपका नाम क्या था। ध्रुव मौर्य। हाँ मस्त, संदेहवाचक। लो भाई दो दो हो गए, तो अब ये क्या करें भाई। आप बताइए बेटा, नहीं आप नहीं, ये बताएगा तनिष्क है। ये और ही आ गया। हाँ आप बताओ बेटा, नाम क्या आपका। मास्क का आपका, मास्क पहनो। हाँ उत्तर भी बोलो, संकेतवाचक। हाँ भाई, नहीं नहीं वो क्या नाम है इसका, बिक्की सिंह बताइए है। संकेतवाचक तुम बताओ। संदेहवाचक। बैठो नीचे। तो ये है संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक है कि यदि यदि लग रहा है ना, इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ जुड़ी हुई है। बैठो अगला। अच्छा, वह इतना बढ़िया गाती है। अच्छा बोलने का जरा को बद देखो मेरा है। अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है, यह कौन सा वाक्य है। मैं थोड़ा इस ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देता हूं। वह इतनी इतना अच्छा गाती है। हाँ भाई शांत, आवाज नहीं। इसका जवाब देंगे